मणिपुर की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बहुमत साबित करने में सफल रही और इसी के चलते अब सीएम बीरेन सिंह कांग्रेस के एक विधायक और 6 पूर्व विधायकों समेत दिल्ली पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों जब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार विश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तब सवाल ये था कि बीरेन सिंह विश्वास मत हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं था। लेकिन विश्वास प्रस्ताव के समय कांग्रेस के 8 विधायकों की अनुपस्थिति से बीरेन सिंह की सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल करने में सफल हो गई और वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। बाद में इनमें से कांग्रेस के 6 विधायकों ने सदन से त्यागपत्र दे दिया और अब बीरेन सिंह उन विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीरेन सरकार को बचाया। जी हां, सीएम बीरेन तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के 1 विधायक और 6 पूर्व विधायकों के साथ रविवार को चार्टर विमान से दिल्ली पहुंचे हैं। उनके दिल्ली आने के बाद अब मणिपुर में किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की बात कही जा रही है। मणिपुर से रवाना होने से पहले बीरेन सिंह ने कहा कि वे वर्तमान और पूर्व विधायकों का राष्ट्रीय राजधानी में व्यक्तिगत रूप से परिचय कराने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। खैर, अब सीएम बीरेन विधायकों के साथ दिल्ली आ गए हैं, जिसके बाद सबकी नजर रहेगी मणिपुर में राजनीतिक परिवर्तन पर। टीवी लाइव की रिपोर्ट।